भाटा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 14 नवंबर 2022 दिन सोमवार को गश्त कर रही पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान भड़कुलवा चौराहे के दक्षिण तरफ NH 28 के सर्विस लेन के पास से एक अदद कंटेनर व एक अदद हुंडई कार से कुल 42 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा कीमत लगभग 6,30,000 रुपए की बरामदगी करते हुए दो नफर अभियुक्त अक्रम पुत्र मुसर्रत निवासी मातिपुर पोस्ट मनोटा थाना असमौली जनपद संभल सुग्रीव विश्वकर्मा पुत्र बनवारी विश्वकर्मा निवासी लाल टोली वार्ड नंबर 6 थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर NDPS एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 14 नवंबर को प्रातःकालीन गश्त में प्रभारी निरीक्षक हाटा अपनी टीम के साथ गश्त में भ्रमणशील थे। उसी दौरान हाईवे के पास भड़कुलवा मोड़ के पास एक कंटेनर और एक चारपहिया गाड़ी संदिग्ध अवस्था में दिखाई दी थी, जिसपे उनसे पूछताछ करने पे वो भागने लगे, जिनको दौड़ा करके पकड़ा गया। उसके बाद उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई, उनके द्वारा बताया गया कि वो अवैध गांजा की तस्करी में लिप्त हैं और वाहनों में भी तलाशी के दौरान दोनों वाहनों में लगभग 42 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें 42 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, एक कंटेनर और एक चारपहिया गाड़ी है हुंडई कार, ये मिला है। दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, एक अभियुक्त जनपद संभल का रहने वाला है जो कंटेनर का चालक था, और दूसरा अभियुक्त रुद्रपुर देवरिया जनपद का रहने वाला है जिसके पास हुंडई गाड़ी थी जो करियर का काम करता था। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की।